उनसे मिलाते हैं और इधर से कुछ चीज़ खुद भी खाते हैं और साथ जो है ना आपको भी खिलाएंगे। ये MS पिज़्ज़े का जो है ना व्यू है नीचे वाला, ये मार्केट है और इसके ऊपर ये शीशा सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ आपको ऊपर आना है। और ये MS पिज़्ज़ा, ये MS पिज़्ज़ा, ये माशाल्लाह देखें बहुत अच्छा हाल है फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के खेलने के लिए भी। और ये VIP रूम है और ये इनका जो है ना ये सामने वाला इसको क्या कहते हैं रिसेप्शन है, साथ ये जूस वगैरह का इनका माशाल्लाह अच्छा सेटअप है। और ये है अस्सलाम वालेकुम, हम मिलते हैं इनसे, ये ऑनर है शायद। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या चाल है? ठीक है, हरियत है भाई? हम उमर नवाज सर। सर क्या चाहें? ठीक है सर, MS पिज़्ज़ा आप एक सर, आपका नाम? मलिक दाऊद। सर दो सब क्या चल रहा है? ठीक है, काम शाम ठीक है माशाल्लाह। और सर कोरोना की वजह से काफ़ी जो है ना लास्ट स्लो है काम, लेकिन फिर भी ठीक है। आप अपने जो हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि सुबह का खास याद रखा जाए, वो आप माशाल्लाह कर रहे हैं, नहीं देखने में नज़र आ रहा है कि आपने मास्क वगैरह लगाया हुआ है और आप जो है ना काफ़ी प्रेस वगैरह भी करवा रहे हैं, तो आपका माशाल्लाह सेटअप ऊपर है, तो ऊपर चलें फिर, तो ऊपर चलें फिर जी। ठीक, ये MS पिज़्ज़ा है, ये हमारे इलाके का सबसे बेहतरीन फास्ट फूड वाला जो है ना MS पिज़्ज़ा, जिधर सबसे अच्छा फास्ट फूड आपको मिलेगा, हर तरह का पिज़्ज़ा, शवारमा, जिंगर, बर्गर, हर तरह की चीज़ मिलेगी, कोक, स्प्राइट, फैंटा, जूस वगैरह, हर तरह का जूस वगैरह मिलेगा। ये सामने VIP रूम है इनका और ये बच्चों के खेलने के झूले वगैरह लगाए हुए हैं उन्होंने। और ये सीटिंग है इनकी, साइड पे फैमिली हॉल है फैमिली के बैठने के लिए। देखिए लोकेशन माशाल्लाह इनकी जो है ना बहुत अच्छी है। और इनका ये रिसेप्शन है, ये इनके ऑनर हैं दाऊद साहब, साथ अहमद भाई हैं, तो इनसे थोड़ी सी आपकी मालूम, आप इनसे गपशप भी करते हैं। और ये देखें कि इनको जो है ना मेंबरशिप सर्टिफिकेट भी मिला है कोक का, क्योंकि इनका माशाल्लाह काम बहुत अच्छा है। और उन्हें COVID-19 की वजह से ना हुकूमत पाकिस्तान ने जो एसओपी जारी किए हुए हैं उन पर काफ़ी जो है ना अमल भी किया हुआ है, मास्क वगैरह यूज़ किए हैं। चले आपकी मुलाकात करवाते हैं ऑनर से। अस्सलाम वालेकुम दोस्त साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है, क्या हो रहा है? काम शाम ठीक है? और सर ये आपका माशाल्लाह सेटअप बहुत अच्छा है, तो कितने सालों से आपका ये माशाल्लाह सेटअप है? 5-6 साल से आपका ये सेटअप है। ठीक है, और रात को कितने बजे तक आपका ये? 12-1 बजे तक ओपन रहता है। और फैमिली के बैठने के मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह काफ़ी अच्छा आपका सेटअप है, तो अगर फैमिली वगैरह आती हैं रात को तो आपका वो सेपरेट से ये? ठीक है, हाँ मैं देख रहा हूँ कि बच्चों का प्ले एरिया भी आपने माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। तो कितने वर्कर हैं आपके पास इधर? आठ से नौ वर्कर हैं माशाल्लाह, सही हो गया। तो सर हम सोच रहे हैं कि आपके साथ ऊपर किचन में जाएं, उधर ना पिज़्ज़ा वगैरह जिंगर वगैरह जो है ना हम तैयार करेंगे, तो आपने हमारा साथ देना है। तो फिर हम अपने कस्टमर को बताएँगे कि देखें ये इधर आप आएँ, ये क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, इनका मेयार बहुत अच्छा है खाने का, ये अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, अच्छा ऑयल इस्तेमाल करते हैं। तो चलें फिर ऊपर चलें, हम ये देखें हम जा रहे हैं अपने दोस्त साहब के साथ, ये जो ऑनर हैं MS पिज़्ज़े के, तो आपकी किचन में जाकर मुलाकात करवाते हैं। भैया हम आपको MS पिज़्ज़े के किचन में ले आए हैं, ये माशाल्लाह MS पिज़्ज़े का किचन है इधर। ये देखें हमारे आने से पहले ही जो है ना इधर पिज़्ज़ा बन रहा तैयार हो गया, लेकिन अभी जो है मैं खुद ही हम जो है ना पिज़्ज़ा तैयार करते हैं अपने लिए और आपको बताएंगे कि कैसा बना है, वहाँ से पूछेंगे भी। ठीक है, ये देखें ये भाई ये क्या तैयार हो रहा है? ये जिंगर जो आप जिंगर बनाते हैं उसके लिए पिज़्ज़े वगैरह तैयार कर रहे हैं। तो देखें माशाल्लाह भाइयों ने जो है ना MS पिज़्ज़ा का ख्याल रखा हुआ है, मास्क वगैरह लगाए हुए हैं। और भाई आप ये कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? ये 7 मिनट लगते हैं बनाने में। ठीक है, और फ्रेश आप चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं? भाई बता रहे हैं कि हम जो है ना फ्रेश चिकन इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया, ये आप कस्टमर के लिए लगा रहे हैं, जिंगर लगा रहे हैं। ठीक है।
नहीं जी, अब हम अपने लिए और अपने प्यारे से दोस्त के लिए, अपने भाई के लिए खुद ही जो है ना स्पेशल का पिज्जा बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम क्या लेंगे? दो चीनी निकालें, दो निकाल लिया ये डो तैयार हो रही है हमारी। भाई ये किस क्वालिटी की डो है? ये स्पेशल डो है। ये क्या लगा रहे हैं आप उसके ऊपर? ये सॉस है, पिज्जा सॉस। पिज्जा सॉस, ठीक है। ये आप खुद तैयार करते हैं या किसी अच्छे से ब्रांड से लेकर आ रहे हैं? ये खुद तैयार करते हैं, ये घर ये स्पेशल तैयार करते हैं। ये आप खुद स्पेशल तैयार करते हैं? और डो ये भी खुद तैयार करते हैं आप घर में? ये चिकन है, ये भाई चिकन लगा रहे हैं इसके ऊपर। ये तो मेरा घर है, मैं ना पहले खुद ही चेक करूँ ये चिकन इनका किस तरह का है। ये चिकन भी आप खुद ही तैयार करते हैं? और इसमें से क्या निकालना है? ये चीज है, चीज या चीज थोड़ी ज्यादा लगाना है, स्पेशल चीज, स्पेशल सा पिज्जा हो, ठीक है? क्योंकि अब ये तो हमने होते खाना है ना, तो स्पेशल सा होगा तो फिर मजा आएगा ना, तो देखने वाले भी फिर आएंगे इंशाल्लाह। मैं वैसे एक चीज नोट कर रहा हूँ, माशाल्लाह जो है ना एमएस पिज्जे का किचन, इधर उन्होंने अपने सफाई बहुत अच्छी रखी हुई है, और इनका काम माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ जब से मैं इधर खड़ा हूँ कि इनका काम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। इनके आर्डर से आर्डर आ रहे हैं और काफ़ी जो है ना इनका पास रश है। देखें टाइम, देखें 10 बज गए हैं और अभी माशाल्लाह इनके पास काफ़ी रश है। तो आप भी अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ एमएस पिज़्ज़े पे आए और इनके जो है ना पिज़्ज़े का, जिंगर का और टेस्ट चेक करें, मज़ा लें और अपने दोस्तों को भी बताएं। भाई ये क्या लगा रहे हैं इसके ऊपर? अच्छा ब्लैक ओमनी, ठीक है। इसको जैतून कहते हैं? हाँ हाँ, इस काले काले के जैतून कहते हैं। अब ये कितना टाइम लगेगा? ये आप ओवन में रख रहे हैं तो 7 मिनट में तैयार हो जाएगा? अच्छा जी, यानी कि काफ़ी हैवी मशीनरी है आपके पास। ये ओवन है जिसमें पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है, वो देखें ऑलरेडी 2 पिज़्ज़े इसमें पड़े हुए हैं, एक ये अभी हमने अपने लिए रखा है। ये आपने चिकन तैयार किया है, ये किधर यूज़ करते हैं आप? पिज़्ज़े पे जो चिकन आप यूज़ करते हैं, ये आपने खुद तैयार किया है? ठीक है, ये अब तैयार हो गया जी, तैयार हो गया। इसका मुझे टेस्ट करवाना है। ये कितना टाइम लगा आपको ये तैयार करते हुए? आधा घंटा लगा। ओहो, ये तो काफ़ी गर्म है यार। गर्म बहुत होता है ना। आधे घंटे में ये तैयार हुआ है जी? ये खुद आपने ओवन में किया है? टेस्टी है यार, मैं भाई चेक करूँ, काफ़ी टेस्टी है यार। पिज़्ज़ा भाई तैयार हो गया पिज़्ज़ा हमारा? नहीं जी, हमारा पिज़्ज़ा जो है ना तैयार हो गया। वाह टेस्टी, ज़्यादा नहीं पीस करे हो यार, भाई इसकी वो तो मुझे दिखाओ ना जाकर, इसको जाकर इसमें चीज़ कितनी सी है, इसकी क्वालिटी दिखाओ। वाह टेस्टी, मेरे तो अभी मुँह में पानी आ गया, दिल कर रहा है गर्म गर्म खा जाऊँ मैं। ये देखें जी, ये इनका ये जो है ना डिब्बा है जिसमें ये पिज़्ज़ा लगा रहे हैं, ये पिज़्ज़ा लग गया, तो एमएस पिज़्ज़ा तैयार हो गया। ये तैयार हो गया भाई हमारा, ये हम ले रहे हैं। तो पैसे जो है इसके नीचे नीचे जाकर हम पे करेंगे, जहाँ आपको पे करने हैं नीचे पे करेंगे। देखिए जी, मेरा तो दिल कर रहा है मैं इधर बैठूँ अकेला ही, और ये जो है ना अकेला ही पिज़्ज़ा खा जाऊँ, क्योंकि ये देखें देखने में नहीं, वैसे ही बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी लग रहा है मुझे, और मेरे मुंह में जो है ना यकीन करें पानी आ रहा है। और मैं उनको कह रहा हूँ कि भाई मैं इधर ही खा लेता हूँ, लेकिन वो कह रहे नहीं भैया, नीचे दोस्त बैठे हुए हैं तो उनके पास बैठ कर ही खाना है, ऐसे नहीं अकेले नहीं खाना। और ये मेरे जो है ना बहुत ही प्यारे से कज़न है अहमद भाई, इनको मैं प्यार से आलू भी कहता हूँ, क्योंकि ये जब छोटे थे ना तो ये आलू बहुत पसंद थे, ये आलू इतने खाते थे कि इनको जब पूछे ना भाई खाने में क्या खाना है, कहते थे आलू, तो इनका मैंने नाम ही आलू डाल दिया हुआ है। ये ऑर्डर तैयार हो गया, इनका ऑर्डर लेके जा रहे हैं। भाई इसमें क्या क्या है दौल भाई, इसमें क्या क्या है ऑर्डर में? इसमें ये 2 लार्ज पिज्जा है, ठीक है, ये पपीता फ्लेवर है, इसमें टिक्का फ्लेवर है, ठीक है, ठीक है, ये 2 चिकन पीसेज हैं इसके, ठीक है, और 1 फिंगर शवारमा और 1 फिंगर पराठा है।
अच्छा जिंगा शवारमा जिंगा पराठा भी माशाल्लाह। देखें एक ही कस्टमर का ये ऑर्डर है इनका, उन्होंने माशाल्लाह पैकिंग बहुत अच्छी की हुई है इनका। ये देखें उधर एम एस पिज़्ज़ा साथ, इनका होंड भी फ्री है, इनका नंबर भी लिखा हुआ है ऊपर। तो भाई ये किधर जा रहा है? ये मियानी पठाना में जा रहा है। मियानी पठाना ये कितनी दूर है मियानी पठाना इधर से? इधर से 6-7 किलोमीटर तक आप इस टाइम डिलीवरी दे रहे हैं माशाल्लाह। तो भाई आपसे मिलकर मैं काफ़ी खुशी हुई, बहुत मज़ा आया, पिज़्ज़ा तैयार किया ऊपर किचन में, आप लोग हमें लेकर गए, थैंक यू, आपने बहुत कॉपरेट किया हमारे साथ। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। ये देखें दौल भाई जो है ना साथ साथ म्यूज़िक जो है मज़ा ले रहे हैं। तो दौल भाई आप कुछ कहना चाहेंगे अपने वीडियो भी काम में? सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया, तो थैंक यू।